Hello everyone, this is Mamta Mund and today we are going to learn and solve exercise 13b, chapter 13, symmetry. Symmetry chapter ka, symmetry and reflection chapter ka, ye composite mathematics class 6 ka, chapter 13, symmetry or reflection chapter ka exercise 13b ka aaj hum karenge, uska question answer. तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना. तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 13A ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अगर नहीं देखे तो एक्सरसाइज 13A का भी वीडियो वो देख लेना और फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन आंसर वीडियो को देखना. तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन नंबर 1. रिफ्लेक्ट द शेप्स बिलो इन द मिरर लाइन एंड ड्रॉ द इमेजेस. ये क्वेश्चन नंबर 1, ये फिगर दिया गया है उसमें उसका मिरर लाइन एंड ड्रॉ द इमेजेस. मिरर लाइन या इसको ये ए बी दिया गया है और इसका मिरर लाइन यहाँ पे ड्रॉ होगा. तो ये जितना इसका लेंथ इस मेजर का यहाँ पे लेके यहाँ से ऐसे मिरर इमेज होगा. इसका और इसका डिस्टेंस सेम होगा और ये डिस्टेंस भी सेम होगा. तो ये हो गया एडेक्स, इसको नाम दे देते हैं एडेक्स बीडेक्स. ए बी एडेक्स बीडेक्स, दिस इज द मिरर लाइन. एडेक्स बीडेक्स मिरर लाइन है ए बी का. अभी ये सेकंड क्वेश्चन है ए बी सी और ये इसका मिरर लाइन यहाँ पे ड्रॉ होगा. ये सेपरेट हुआ है ये, तो इसका आधा मिरर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे. तो बी सी बी सी का जितना सी एम है उसका मेजर का ऐसे करोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस को ड्रॉ करोगे. तो ये हो गया ए बी सी, फिर यहाँ पे ए बी सी हो गया, यहाँ पे ए डेक्स बी डेक्स सी डेक्स. फिर ये ए बी सी क्वेश्चन नंबर 3 है ए बी सी. तो यहाँ से ये बी और इसका जितना डिस्टेंस है यहाँ पे भी उसका डिस्टेंस का करोगे. तो ये सब यहाँ पे, तो सी और ये इसका डिस्टेंस यहाँ पे ज्वाइन होगा, फिर इसका और ये इसको ज्वाइन करोगे. तो ये हो गया मिरर इमेज. फिर यहाँ पे इस ये ए बी जितना डिस्टेंस है उसका यहाँ पे करोगे, फिर यहाँ से ए बी सी इसका मिरर इमेज ऐसे ड्रॉ होगा. या ये थोड़ा मेरा ऐसे हो गया है, ज्यादा डीप हो गया यहाँ पे, ऐसे ऐसे करना. फिर क्वेश्चन नंबर 5 है पी क्यू. पी क्यू हो गया, फिर क्यू आर, क्यू आर मेजर का यहाँ से क्यू आर, फिर आर एस. हो गया इसका मिरर इमेज, इसको लेबल भी कर सकते नहीं तो छोड़ो. फिर के एल यहाँ से ये लाइन हो गया, फिर ये लेंथ, फिर एम एन, ये हो गया इसका मिरर इमेज हो गया. फिर क्वेश्चन नंबर 7, रिफ्लेक्ट दिस शेप्स इन द डॉटेड लाइन. डॉटेड लाइन यहाँ पे जितना ये स्क्वायर है ना उसका काउंट करके यहाँ पे करना है. तो 1, 2, 3, तो यहाँ पे भी होगा
3 हो गया, ये हो गया। फिर यहाँ से क्या है, 1 2, एक दो, दो फिर एक एक दो तीन, एक दो तीन, यहाँ से 1 2 2 3, ये हो गया। ये काउंट करके जो स्क्वायर है ना उसको काउंट करके करना है। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे तो यहाँ पे होगा इसका 1 स्क्वायर, फिर और 1 स्क्वायर का ये हो गया, फिर यहाँ पे स्क्वायर का हो गया, फिर फिर यहाँ पे भी इसका मिरर इमेज करोगे, यहाँ पे 1 2 3 से 1 2 3, ये मेरा इमेज हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर रिफ्लेक्शन हो गया। फिर ये क्वेश्चन नंबर 9, 9 में भी ये स्क्वायर जितना है उसको काउंट करके करना है। यहाँ पे फिर यहाँ से फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ से भी ऐसे,
ये हो गया मिरर इमेज। फिर 1 to 9 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 10, एन एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। इन एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शनल सिमेट्री में पेपर डिलीवरी डिलीवरी बॉय वांट्स टू पार्क हिज साइकिल एट सम पॉइंट पी एंड डिलीवर द न्यूज़पेपर्स टू हाउसेस ए एंड बी, वेयर शुड ही पार्क द साइकिल सो दैट हिज वॉकिंग डिस्टेंस एपी प्लस बीपी विल बी द लीस्ट। ये फिगर है, तो यहाँ पे एक हाउस है ए और ये बी हाउस, यहाँ पे उसका साइकिल को यहाँ पे रखा है एट सम पॉइंट पी एंड डिलीवर द न्यूज पेपर्स टू हाउसेस ए पी प्लस। तो यहाँ पे ये मिरर इमेज यहाँ पे हुआ ए का एडेक्स से हुआ, तो यहाँ पे भी मिरर इमेज करोगे। यहाँ पे ये जितना इसका डिस्टेंस है यहाँ पे, फिर उसका इतना डिस्टेंस का यहाँ पे करोगे। परसुड ही पार्क दो साइकिल सो दैट द फॉलोइंग डिस्टेंस एपी प्लस बीपी। रिफ्लेक्शन और सिमेट्री हियर which is the street here, then the point P is the ideal point for that index V. The point P is the ideal place to park the cycle where the mirror the line and where the mirror line and the index V meet. तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो आज हम एक्सरसाइज 13 भी का ये सिमेट्री का क्वेश्चन आंसर किए, तो इसमें इसको लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ये ममता मुंड मैथ्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसका पूरा कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 6 का पूरा फुल टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन अपलोड हो चुका है चैप्टर वाइज। जिस किसी ने भी जहाँ पे भी नहीं देखी हो तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज अपलोड हुआ है, नहीं तो पूरा फुल सभी चैप्टर का एक प्लेलिस्ट में भी अपलोड हुआ है, वो भी देख सकते हो, नहीं तो चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट सब अपलोड हुआ है कंपोजिट मैथमेटिक्स और न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स का भी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में अपलोड हुआ है, वहाँ पे जाके ये सब वीडियोज देखो। लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो ममता मोहन मैथ्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, थैंक यू।